अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत मज़े की चिकन कढ़ाई रेसिपी, जो कि बहुत आसानी से बन जाती है। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ खड़े गरम मसाले ले लिए थे, जिसमें काली मिर्च, लौंग, ज़ीरा, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, स्टार फूल, और यहाँ पे मैंने दो दालचीनी, जावित्री और तेज़पत्ता। अब इन सभी चीज़ों को हमें राई के तेल में डाल देना है। मस्टर्ड ऑयल ही यूज़ करें, बिकॉज मस्टर्ड ऑयल में अगर आप चिकन या मटन बनाते हैं तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ पे हमें सारे खड़े गरम मसाले तेल में डाल देना है और उसे अच्छे से क्रैकल होने देना है। उसके बाद दो मीडियम साइज़ का ऑनियन हमने पीस लिया था, उसके बाद उसे हमने ऐड कर दिया। आप चाहें तो चॉप करके भी ऐड कर सकते हैं। आप इसे अच्छे तरीके से भूनते जाना है। हम इसमें धनिया, पुदीना या मिर्ची का पेस्ट नहीं ऐड करेंगे, हम सूखे मसालों से ही इसे बनाएंगे और ये बहुत लाजवाब बनती है। उसके बाद हमें इसमें ऐड कर देना है जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट। तो कांदों की भुनाई अच्छे से हो जाए उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट। तो यहाँ पे 3-4 चम्मच के बराबर मैंने जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट ऐड कर दिया था। अब जिंजर एंड गार्लिक की पेस्ट की भुनाई भी हमें बहुत अच्छे तरीके से करना है, ताकि जो इसका कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए, जो इसमें से रॉ स्मेल आती है वो ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे हमें अच्छे तरीके से कांदे की, जिंजर गार्लिक की अच्छे तरीके से भुनाई करते जानी है। और यहाँ पे जो हमारा मसाला है वो ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, अच्छे तरीके से भुनाई हो चुकी है, ये आप देख सकते हैं। अब हम इसमें ऐड कर देंगे चिकन। चिकन हम इसलिए ऐड करें ताकि जो चिकन में भी एक स्मेल होती है, तो जिंजर गार्लिक और ऑनियन का पेस्ट इस चिकन के स्मेल को बैलेंस कर देगा और हमारा चिकन है वो अच्छे तरीके से मसालों के साथ भूनते भी चला जाएगा, उसके साथ साथ ये हाफ कुक भी हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें चिकन को भी अच्छे तरीके से भूनते जाना है और ये बहुत लाजवाब लगता है। आप चाहो तो अच्छे तरीके से चिकन को पूरा कुक करके आप ऐसे भी इसे खा सकते हो एज ए स्टार्टर, और ये रोटी के साथ भी बहुत अच्छा लगता है ऐसे ही। तो यहाँ पे हमने चिकन को अच्छे तरीके से भून लिया था और चिकन हमारा कुक भी हो चुका है 50-60%। चिकन ने भी अपना पानी छोड़ा था, तो वही पानी में हम इसे भूनते गए। उसके बाद हम इसे कुछ पाउडर मसाले ऐड करेंगे, जिसमें धनिया पाउडर, गरम मसाला, काली मिर्च पाउडर, रेड चिली पाउडर और हल्दी पाउडर, ये सारे मसाले हमें इसमें ऐड कर देना है और अच्छे तरीके से भुनाई करती जानी है। आप देख सकते हो मैंने धनिया पेस्ट या फिर मिर्चे का पेस्ट या पुदीना पेस्ट नहीं ऐड किया है, फिर भी ये जो ग्रेवी रहेगी बहुत मज़े की बनेगी, आप आगे चल के देखेंगे। और हमने इसमें ऐड कर दिया था सॉल्ट। सॉल्ट ऐड करने के बाद हमें चिकन को अच्छे तरीके से भूनते जाना है। 2-3 मिनट में हम इसे चलाते रहेंगे। और अगर आपको लग रहा है आपका मसाला जल रहा है तो आप इसमें गर्म पानी ऐड करें, ठंडा पानी बिल्कुल ना ऐड करें, आप वार्म वाटर ही यूज़ करें। और वही गर्म पानी में से हम हल्का सा भूनते जाएंगे, और भूनना है हमें 3-4 मिनट के लिए इसे भूनते रहेंगे। और आप देख सकते हो मसाला अच्छे तरीके से पक चुका है, दानेदार हो चुका है, ऑयल भी ऊपर की तरफ आ चुका है। अभी जो हमारा चिकन है वो रेडी हो चुका है। अब आपको जितना भी ग्रेवी चाहिए ग्रेवी के हिसाब से आप इसमें पानी ऐड कर लें। तो पानी हमें इसमें ऐड करना है गर्म पानी ही, ठंडा पानी हम बिल्कुल नहीं यूज़ करेंगे। तो हमें इसमें गर्म पानी ऐड कर देना है, और जितना भी आपको सालन चाहिए या फिर रस्सा चाहिए आप उसके हिसाब से आप इसमें पानी ऐड कर लें। और हम इसे अब कुक होने देंगे 15-20 मिनट के लिए मीडियम आँच पर, और इसे हम अब लीड बंद कर देंगे और यह हमारा जो चिकन है वो 15-20 मिनट बाद रेडी हो जाएगा। ये आप देख सकते हो इतना मज़े का चिकन कढ़ाई रेडी है।